इम्पॉर्टेंट फिल्म, फिल्म का नाम धर्मवीर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने और प्रोड्यूस किया था सुभाष देसाई ने। म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी के गीत, और फिल्म के कलाकार थे जीनत अमान, जीतेंद्र, नीतू सिंह, प्राण, इंद्राणी मुखर्जी, जीवन रंजीत एंड अबव ऑल धर्मेंद्र। जोरदार तालियां धर्म जी के लिए। धर्मेंद्र जब स्टार बन गए तो लोग उन्हें हीमेन कहने लगे, हीमेन का टैग उन्हें मिला, और हिंदी सिनेमा का मोस्ट हैंडसम मैन, हैंडसम पर्सनैलिटी कहे जाने लगे, और मैं मानता हूं उनको। धर्मेंद्र और फिरोज खान से ज्यादा खूबसूरत बहुत कम कोई हीरोज आए हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था कि टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जीत जाने के बावजूद उनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, फाके झेलने पड़ रहे थे। सरसों का साग और असली घी के पराठे खाने वाले पंजाब के पुत्र को कई बार वड़ा पाव खाकर पूरा दिन भी बिताना पड़ता था। एक बार धर्मेंद्र रात को थके हारे घर पहुंचे, सुबह घर से निकले थे भूखे प्यासे, अभी तक भी वैसे ही थे। घर पहुंचे, घर में भी खाने को कुछ नहीं था, जिस होटल पे उधारी खाता चलता था वो भी बंद हो चुका था, भूख के मारे बुरा हाल था। मायूस होकर सीधे बिस्तर पे निढाल पड़ गए, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, भूख के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उनकी नजर मेज पर रखी ईसब गोल की शीशी पर पड़ी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग सोचकर शीशी उठाई, ग्लास में पानी लिया, ईसब गोल को पानी में मिलाया और पूरा पिया, और इस तरह से स्ट्रगलिंग एक्टर सो गया। सुबह उठे तो बुरी हालत थी, हालत क्या होगी। इत्तेफाक से उनके एक दोस्त घर पे आ गए, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने जांच की। जब उनके दोस्त ने पूछा, डॉक्टर साहब बता दीजिए कौन सी दवाई लानी है, तो डॉक्टर साहब बोले, जनाब इसे दवाई की नहीं, पेट भर खाने की जरूरत है। सच में पेट भर खाने के लिए ही तो सारा ये प्रपंच रचा जाता है, ये सारी पंचायत पेट भर खाने का ही तो सिलसिला है। जिंदगी इम्तिहान लेती है और उसमें जो डटा रहता है, खरा उतरता है, वही धर्मेंद्र बनता है। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नु कपूर में 70 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।